हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी टुडे न्यूज। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि गवर्नमेंट टीचर की आ चुकी है बम्पर वैकेंसी। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट टीचर भर्ती 2022 के बारे में, जिसका लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, गवर्नमेंट टीचर की जो भर्ती निकाली गई है, यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो है 25,500 से अधिक है, यानी कि बम्पर भर्ती है इस साल 2022 की। अप्लाई जरूर कीजिएगा, अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 29 जुलाई 2022 है। तो दोस्तों 29 जुलाई से पहले अप्लाई जरूर कीजिएगा, लेकिन आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट टीचर भर्ती 2022 के बारे में, जिसका लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, 29 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 29 जुलाई से पहले आपको अप्लाई करना होगा। कुल पदों की बात करते हैं तो दोस्तों 25,500 से अधिक पदों पर यह भर्ती की सूचना जारी की गई है, जिसके लिए योग्यता केवल 12th पास है। कम से कम अगर आप 12th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ये जो भर्ती निकाली जा रही है ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा। कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, वो भी जानकारी हम आपको देंगे। चलिए सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, जहां पर हम आपको इन भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों अधिक जानकारी और अप्लाई करने का लिंक मिलेगा आपको सरकारी2daynews.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर आप जाकर के टीचरों की इन भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम जो गवर्नमेंट टीचर की भर्तियां लेकर आए हैं, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भर्तियां हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना, चार नए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। चलिए आपको एक-एक करके तमाम भर्तियों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की तरफ से आ चुकी है बम्पर वैकेंसी। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं वो है प्रिंसिपल के पद, पीजीटी के पद, टीजीटी के, म्यूजिक टीचर के, आर्ट टीचर के और लाइब्रेरियन के। कुल मिला के 584 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक और नया नोटिफिकेशन है, ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। सैलरी आपको 18,000 से 1,12,400 रुपए पर मंथ मिलेगी। जॉब लोकेशन पूरे भारत की रहेगी। वहीं दोस्तों एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम जो है 50 साल है। आयु सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। और एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 1500 से 2000 है और एससी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आप डिप्लोमा, डिग्री या बीएड या सीटेट पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है 9 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, 29 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर की जो भर्ती है वो भी आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से है, राजस्थान सबोर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है। ये जो भर्ती निकाली गई है 5,546 पदों पर भर्ती है। यहां पर जो पद है वो आप देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के हैं, पीटीआई के पद हैं। अप्लाई केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा। चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा आपकी ली जाएगी और राजस्थान की जॉब लोकेशन रहेगी। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम जो है 40 साल है। आयु सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं दोस्तों एप्लीकेशन फीस जो है जनरल के लिए 450 है, ओबीसी के लिए 350 है, एससी एसटी के लिए 250 है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 23 जून से 22 जुलाई तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर की जो भर्ती है वो भी आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से है, एनवीएस की तरफ से है। और यहां पर जो पद जारी किए गए हैं 1,616 पद है, यानी कि दूसरी भर्ती है एनवीएस की इस साल 2022 की। यहां पर भी पद आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के हैं, पीजीटी के हैं, टीजीटी के हैं, म्यूजिक टीचर के हैं, आर्ट टीचर के हैं और लाइब्रेरियन के हैं। ये भी जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। सैलरी आपको 18,000 से 1,12,400 रुपए पर मंथ मिलेगी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम जो है 50 है। आयु सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। और एप्लीकेशन फीस जो है यहां पर भी जनरल ओबीसी के लिए 1500 से 2000 है, एससी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। यहां पर भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप डिप्लोमा, डिग्री या बीएड या सीटेट
सर्टिफिकेट पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है 2 जुलाई से 22 जुलाई तक चलेंगे, ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों एक और बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है, और यहां पर जो पद जारी किए गए हैं 4163 पद जारी किए गए हैं। टीजीटी के पद हैं, पीजीटी के पद हैं। अप्लाई केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी आपको लगभग 45,000 से 1,51,000 रुपए पर मंथ मिलेगी, और यूपी इंडिया इलाहाबाद की जॉब लोकेशन रहेगी। एज लिमिट जो है कम से कम 21 है और मैक्सिमम नॉट एप्लीकेबल है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, यहां पर आप देख सकते हैं, और यहां पर आईसीयू में छूट भी है सरकार के नियमानुसार। एप्लीकेशन फीस में आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए 750 है, एससी एसटी के लिए 450 है, एससी के लिए और एसटी के लिए 250 है। और यहां पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप दोस्तों बैचलर डिग्री पास हैं या फिर बीएड पास हैं या मास्टर डिग्री पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 9 जून से 10 जुलाई तक चलेंगे, ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप इन सूचनाओं को ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, और किस सिटी से आप वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।